नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको डेयरी फार्मिंग तथा बागवानी के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने भूमध्य सागरीय कृषि तथा मिश्रित कृषि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं डेयरी फार्मिंग के बारे में। तो दूध व दूध से बने उत्पादों जैसे मक्खन, पनीर, सूखा व संघनित दूध के लिए मवेशी पालन डेयरी फार्मिंग व्यवस्था कहलाती है। तो दूध और दूध से जितने भी बने हुए उत्पाद हैं, यदि उसके लिए मवेशी पालन किया जाए तो वो व्यवस्था डेयरी फार्मिंग कहलाती है। यह यूरोप, उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में प्रचलित है। इसके अलावा डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड, फिनलैंड, फ्रांस व स्विट्जरलैंड में कृषि की 40% आय का स्रोत डेयरी फार्मिंग है। तो डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड, फिनलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की यदि बात की जाए तो यहाँ का जो कृषि है उसकी 40% आय का जो स्रोत है वो डेयरी फार्मिंग से प्राप्त होता है। इसका विगत इतिहास दीर्घकालीन है, परंतु आधुनिक डेयरी व्यवसाय लगभग 100 वर्ष पुराना है। यदि हम डेयरी व्यवसाय की बात करें तो ये बहुत पुराना है, लेकिन आधुनिक डेयरी व्यवसाय की यदि हम बात करें तो ये लगभग 100 वर्ष पुराना व्यवसाय है। शीत जलवायु व उत्तम चारागाहों के अतिरिक्त यह व्यवसाय ताजे दूध से बने उत्पादों को नगरों व औद्योगिक केंद्रों तक शीघ्र पहुंचाने वाले अच्छे यातायात साधनों पर भी निर्भर है। तो ये जो व्यवसाय है, शीत जलवायु, उत्तम चारागाह तथा अच्छे यातायात के साधनों पर निर्भर है। जहाँ भी इस तरह की व्यवस्थाएं मिलेंगी वहाँ पर इस व्यवसाय का जो विकास है वो अधिक होगा। विश्व के 80% दूध का उत्पादन यूरोप, रूस, एंग्लो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होता है। उसका कारण यही है कि वहाँ इस तरह के व्यवसाय के विकास की सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाती हैं। शीतोष्ण अक्षांशों में डेयरी व्यवसाय अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवसाय है। यहाँ अत्यधिक आर्द्र जलवायु में फसल उत्पादन सीमित हो जाता है, परंतु अच्छी प्राकृतिक घास पर मवेशी पालन सुविधाजनक रहता है। यद्यपि किसान मवेशी को शीत से सुरक्षित रखने के लिए कवर का प्रयोग करते हैं। तो यदि शीतोष्ण अक्षांशों की बात की जाए तो यहाँ डेयरी व्यवसाय अधिक विकसित हुआ है। उसका कारण यही है कि वहाँ पर आर्द्र जलवायु में फसल का उत्पादन तो नहीं हो सकता है, लेकिन घास जो है वो अच्छी उग जाती है, जिस पर मवेशियों का पालन आराम से किया जा सकता है। डेयरी उद्यम पूंजी के सघन उपयोग का व्यवसाय है। तो यदि इस व्यवसाय की बात की जाए तो इसमें पूंजी का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। आधुनिक डेयरी फार्म के विकास के लिए किसान को दिन भर लंबी अवधि का समय और बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश कर उसका ताना बाना, इंफ्रास्ट्रक्चर जुटाने की आवश्यकता होती है। तो किसान को क्या होता है, इस व्यवसाय के लिए श्रम के साथ साथ में पूंजी का निवेश भी अत्यधिक मात्रा में करना पड़ता है। मशीनी उपकरणों जैसे दूध दोहने की मशीन, दूध को ठंडा रखने के फ्रीजर, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के टावर, शीतकाल के लिए चारा भरने की बुखारियां, साइलो घर आदि की व्यवस्था व खरीद के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न प्रकार की मशीनों जैसे दूध दोहने की मशीन, दूध को ठंडा रखने का फ्रीजर, चारा भरने की बुखारियां, साइलोगर, इन सब की व्यवस्था के लिए अत्यधिक मात्रा में इस व्यवसाय को पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। भिन्न भिन्न देशों में और भिन्न भिन्न आकार के फार्मों में रखी जाने वाली मवेशी संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। यूनाइटेड किंगडम में मवेशी व चारागाह का अनुपात 1 गाय प्रति एकड़ है। तो यदि यूके की बात की जाए तो यूके में 1 एकड़ पर 1 गाय को पाला जाता है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं, डेयरी फार्मिंग को दर्शाया गया है फोटो के माध्यम से। फार्म पर अधिक मवेशी रखने का अभिप्राय जानवर के प्रति निर्दयता समझी जाती है, यानी
एक फार्म पर अधिक जानवर रखे जाएं या अधिक मवेशी को पाला जाए, तो इसका मतलब होता है कि वो कंडीशन उन मवेशियों के लिए सही नहीं होती है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप के डेयरी फार्मों में औसतन प्रति फार्म 5 गाय निर्धारित है। यदि उत्तरी पश्चिमी यूरोप के डेयरी फार्मों की बात की जाए तो वहां पर औसत में एक फार्म पर 5 गायें पाली जाती है। डेयरी फार्मों पर आधुनिक तौर तरीके से मवेशी पालन, जनन एवं प्रबंधन से डेयरी पदार्थों की बड़ी मात्रा उपलब्ध होती है। यदि आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाए और सही तरीके से इनको पाला जाए तो डेयरी पदार्थों का जो उत्पादन है वो अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। शीतोष्ण अक्षांशों में औसतन 1 गाय सामान्य स्वस्थ दशाओं के अधीन 3000 किलोग्राम दूध प्रतिवर्ष देती है। यदि यदि गाय स्वस्थ है तो वो 1 साल में 3000 किलोग्राम दूध तक दे देती है, जो किसान को बहुत अच्छी धनराशि प्राप्त करने का साधन है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं, डेयरी फार्मिंग का एरिया दिखाया गया है मानचित्र के माध्यम से कि विश्व के किन किन क्षेत्रों में डेयरी फार्मिंग जो है वो अधिक प्रचलित है। जलवायु की अच्छी दशाओं के अतिरिक्त दूध की उत्पादन मात्रा, मवेशी की नस्ल पर और उसे पोषण हेतु दिए जाने वाली खाद्य सामग्री, चारा, रातिब की अच्छी किस्म पर निर्भर करता है। तो जलवायु की दशाओं के अतिरिक्त किस तरह की खाद्य सामग्री या चारा जो है किसान अपने जानवरों को देता है उस पर भी दूध का उत्पादन निर्भर करता है, और जानवर की नस्ल कैसी है उस पर भी ये निर्भर करता है कि दूध का उत्पादन किस प्रकार का होगा। मवेशी का उत्तम पोषण न केवल दूध की मात्रा में अपितु पशु द्वारा दोहने की अवधि में भी वृद्धि करता है। उनके दोहने का जो टाइम है वो किस तरह का है उस पर भी जो उसका उत्पादन है या दूध की जो मात्रा है वो निर्भर करती है। डेयरी उत्पादों जैसे मक्खन, क्रीम, पनीर, सुखाया दूध, संघनित दूध और ताजा दूध की उत्पादन मात्रा में भी प्रादेशिक स्तर पर भिन्नता पाई जाती है। यदि प्रदेशों के आधार पर बात की जाए तो हर एक एरिया में दूध की मात्रा जो होती है वो अलग अलग होती है। यूके व संयुक्त राज्य के बड़े औद्योगिक नगरों के समीप ताजे दूध का उत्पादन अन्य उत्पादों की तुलना में बहुत अधिक है, क्योंकि बड़े शहरों में ताजे दूध की मांग बहुत अधिक होती है। तो जो यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका के जितने भी बड़े बड़े औद्योगिक नगर हैं उनके आसपास के क्षेत्र में जो है दूध का व्यवसाय जो है अधिक उन्नत हो गया है, क्योंकि जो शहर है वहां पर ताजे दूध की डिमांड अधिक होती है। ताजा दूध बहुत शीघ्र खराब होने वाले डेयरी उत्पादों में से है। तो यदि ताजा दूध की बात करें तो वो 5-6 घंटे में ही खराब हो जाता है, अतएव इसे दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं पहुंचाया जा सकता है। तो जो ताजा दूध है उसको दूर तक के एरिया में हम नहीं भेज सकते हैं क्योंकि वो शीघ्र ही खराब हो जाता है। न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया पनीर व मक्खन के उत्पादनों पर अधिक ध्यान केंद्रित रखते हैं क्योंकि इनके बाजार यूरोप व उत्तरी अमेरिका हैं। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है पनीर और मक्खन पर अधिक ध्यान देते हैं, जहां इन्हें शीत भंडार से लैस जहाजों द्वारा निर्यात किया जाता है। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से जो पनीर और मक्खन होता है उसको उत्तरी अमेरिका और यूरोप को निर्यात किया जाता है। दूध व दूध उत्पादों की उत्पादन मात्रा, उत्तम कोटि की घास, मौजूद मौसम, गाय की नस्ल व उपलब्ध तकनीक पर निर्भर करती है। तो दूध और दूध उत्पादनों की जो मात्रा है वो उत्तम कोटि की घास पर, कैसा मौसम है वहां पर और गाय की नस्ल किस तरह की है, इन सब पर निर्भर करता है। डेयरी व्यवसाय के देशों की सरकारें अपने अपने देश को इस आकर्षक व्यवसाय के विकास हेतु पर्याप्त प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो डेयरी व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न देशों की सरकारें जो हैं अपने अपने देश के व्यवसायियों को प्रोत्साहित कर रही है, उसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं वो बना रही हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं बागवानी के बारे में। शाक सब्जी फल फूल उत्पादन की विशिष्ट खेती को बागवानी कहते हैं। तो यदि शाक सब्जी
फल फूल इन सब का उत्पादन किया जाए तो उस विशिष्ट कृषि को हम बागवानी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे ट्रक फार्मिंग की संज्ञा दी गई है। तो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ट्रक फार्मिंग किसे कहा जाता है। साग सब्जियों व फलों का उत्पादन नगर व औद्योगिक केंद्रों से दूर दराज के क्षेत्रों में होता है, जहां से ट्रक व सामान ढोने वाले साधनों द्वारा उपभोक्ता क्षेत्रों व मंडियों तक इन्हें शीघ्र सुरक्षित पहुंचाया जाता है। तो ये जो जितनी प्रकार की साग सब्जियां व फल है वो औद्योगिक केंद्रों से दूर के क्षेत्रों में उत्पन्न की जाती है और वहां से ये ट्रकों द्वारा मंडियों तक सुरक्षित पहुंचाई जाती है, इसीलिए इसे को ट्रक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। बागवानी उत्तर पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस व इटली के घनी आबादी वाले औद्योगिक क्षेत्रों में अच्छी तरह विकसित कृषि व्यवस्था है। तो ये ऐसे क्षेत्रों में विकसित होती है जहां की आबादी जो होती है वो घनी होती है। नगरीकरण की दृष्टि से वृद्धि प्राप्त विकसित देशों में प्रतिदिन ताजी साग सब्जियों व फलों की भारी मांग होती है। तो जो नगरीय क्षेत्र होते हैं वहां पर क्या होता है, सब्जी और फलों की मांग जो होती है वो अधिक होती है। नीदरलैंड बसंती फूलों जैसे तुलिपों की खेती में विशेषता रखता है, जहां से ये वायुयान द्वारा यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका के बड़े नगरों में पहुंचाया जाता है। तो जो बसंती फूल होते हैं तुलिप, वो उसके लिए नीदरलैंड विशेषता रखता है और इनको जो है वायुयानों के द्वारा यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे बड़े बड़े नगरों में पहुंचाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य साग सब्जियों के उत्पादन में अग्रणीय है, परंतु बागवानी का महत्व लेक प्रायद्वीप, फ्लोरिडा और कनाडा के समुद्र तटीय राज्यों में ट्रक द्वारा तय किया जाता है, अतः इसके लिए ट्रक फार्मिंग की संज्ञा उपयुक्त है। यानी यहाँ क्या होता है, ट्रकों का प्रयोग अधिक किया जाता है, इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। परंतु यहाँ उत्पन्न नारंगी व सेब फलों का उत्पादन बाजार की दूरी के कारक पर नहीं, यहाँ की जलवायु पर अधिक निर्भर करता है। तो नारंगी और जो सेब का उत्पादन है होता है वो बाजार की दूरी के कारक पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जलवायु पर निर्भर करता है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं, बागवानी को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। बागवानी के फार्म छोटे आकार वाले होते हैं, जो उपभोक्ता केंद्रों से संचार व आवागमन के साधनों से सुचारू रूप से जुड़े होते हैं। तो जो बागवानी के फार्म होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं, लेकिन अच्छे आवागमन के साधनों से वो जुड़े होते हैं। इस दृष्टि को ध्यान में रखकर ही इन फार्मों को अवस्थित किया गया है। भूमि को बागवानी कृषि में सघन रूप से जोता जाता है। तो बागवानी कृषि में जो भूमि है उसको सघन रूप से जोता जाता है ताकि अत्यधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त हो सके। साग सब्जियों को कांच घरों व छोटे छोटे क्यारी नुमा खेतों में तैयार किया जाता है। मिट्टी की उर्वरता की सुरक्षा के लिए खाद व उर्वरकों का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं और अधिकांश काम हाथों द्वारा किया जाता है। यानी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए खाद और उर्वरकों का अधिक प्रयोग करेंगे और जितने भी कार्य हैं वो अधिकांश कार्य जो है वो हाथों के द्वारा किए जाते हैं। विकसित देश अच्छे बीजों, कीटनाशक दवाइयों, नर्सरी, कृत्रिम ताप जैसे साधनों को अपनाते हैं और उत्पादों को शीघ्र उपभोक्ताओं के केंद्रों तक पहुंचाने का प्रबंध करते हैं। तो जो इसमें विकसित देश है वो अच्छे बीज, कीटनाशक दवाइयां आदि का उपयोग करते हैं और उत्पादन को अधिकांश मात्रा में प्राप्त करके उपभोक्ता तक शीघ्र पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। यहाँ पर इस स्लाइड में बागवानी का क्षेत्र दिखाया गया है इंडिया में। यहाँ का जो ये उत्पादन दिखाया गया है 2004-05 से लेकर के 2017-18 तक का उत्पादन दिखाया गया है, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल और बागवानी को दिखाया गया है। इन कारणों के प्रति व्यक्ति लागत व खर्च बागवानी में पर्याप्त अधिक है।
भारत की उष्ण व खिली धूप वाली जलवायु में अनेक प्रकार की साग सब्जियां व फलों की खेती होती है। फूल, फलियां, प्याज, टमाटर, मूली, गाजर, लौकी, काशी फल, फूल गोभी, बंद गोभी एवं नाना प्रकार की पत्तियों वाली सब्जियां जो गर्म शीतोष्ण अक्षांशों में उत्पन्न की जाती है भारत में भी पैदा होती है। तो भारत में भी अनेक प्रकार की साग सब्जियां उत्पन्न की जाती हैं। वर्ष के विभिन्न भागों में विभिन्न अवधि में बोई जाने वाली साग सब्जियां यहाँ के नगर केंद्रों पर पूरे वर्ष उपलब्ध हो जाती हैं। यद्यपि साग सब्जियां भारत के प्रत्येक गांव, नगर व शहर के इर्द गिर्द उगाई जाती हैं, परंतु इनकी खेती बड़े नगरों जैसे मुंबई या बंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद, कानपुर, पटना, शिलांग, गुवाहाटी की बाह्य सीमाओं पर वहाँ की अधिक मांग पूर्ति हेतु प्रधानता की जाती है। तो साग सब्जियाँ क्या है, वैसे तो भारत के प्रत्येक गांव और शहर और नगर के इर्द गिर्द बोई जाती है, लेकिन इनकी जो खेती है वो बड़े स्तर पर नगरीय क्षेत्रों के आसपास की जाती है। श्रीनगर में साग सब्जी की खेती वहाँ बसंत व ग्रीष्म ऋतुओं में प्रधानतः श्रीनगर व आसपास ताजा सब्जी की मांग पूर्ति के लिए डल झील पर की जाती है। भारत की विविध प्रकार की कृषिगत जलवायु दशाओं में नाना प्रकार के फल जैसे आम, सेब, संतरा, नारंगी, अंगूर, केला, अमरूद, नाशपति, रसबरी, बेर, खुमानी, चीकू और विभिन्न प्रकार से सूखे मेवे आदि उत्पन्न किए जाते हैं। तो भारत की जो में विभिन्न प्रकार की कृषि जलवायु दशाओं में अनेक प्रकार के फल भी उत्पन्न किए जाते हैं। भारत में आम व अन्य अनेक प्रकार के फल यूरोप, अमेरिका, मध्य पूर्व एवं सुदूर पूर्व को निर्यात कर अच्छी विदेशी पूंजी अर्जित की जाती है। इसी के साथ हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। यहाँ पर आप इस स्लाइड पर कृषि भूगोल से संबंधित बुक रेफरेंस देख रहे हैं। यदि आप किसी अन्य बुक का अध्ययन करना चाहें तो यहाँ बुक रेफरेंस दिया गया है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।